हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको कुरुक्षेत्रा के द द्रोणाचार्य रेजोनेंट क्लासेज के बारे में इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ। द्रोणाचार्य रेजोनेंट क्लासेज है जो, उसका जो मेन लक्ष्य है वो है आईआईटी जेईई मेडिकल बोर्ड सिलेबस फाउंडेशंस। हमारे इस इंस्टीट्यूट पर आईआईटी जेई मेडिकल के लिए बच्चों को प्रिपेयर किया जाता है। अब जो न्यू सेशन है 2018 से 2019 तक, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। सेंटर है जो हमारा, ये है दादा द्रोणाचार्य रेजोनेंट क्लासेस, सेक्टर 17 नियर कैसल मॉल कुरुक्षेत्रा। दूसरा जो सेंटर है वो है सेक्टर 10 नियर न्यू बस स्टैंड कुरुक्षेत्रा। हमारा जो सेंटर है अदर कोचिंग सेंटर से डिफरेंट क्यों है, उसके बारे में मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। सबसे पहली तो बात है, जो जो हमारे पास फैकल्टी है वो रेगुलर फैकल्टी है, उसको सेशन के बीच में चेंज नहीं किया जाता। जो स्टार्टिंग से टीचर पढ़ाएगा लास्ट तक वही टीचर पढ़ाता रहेगा। अब मैं अपनी फैकल्टी के बारे में इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। फर्स्ट है डॉक्टर जया सुडा, ये हमारे फिजिक्स के टीचर हैं, एमएससी फिजिक्स नेट क्वालिफाइड पीएचडी हैं, और जो एक्सपीरियंस है वो 17 ईयर्स का एक्सपीरियंस है डॉक्टर जया सुडा का। ये फिजिक्स करवाते हैं, बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट को बड़े टेक्निकल वे से करवाया जाता है। प्लस आईआईटी जेई के लिए भी बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करवाते हैं। किसी भी एक टॉपिक के 100 क्वेश्चन सोल्व करवाए जाते हैं, यानी कि एक बच्चे से 1 ईयर में 5,000 के आसपास क्वेश्चन जो है फिजिक्स का सोल्व कर लेता है जेई मेन्स लेवल का। उसके बाद जो उसका आईआईटी लेवल है उसके लिए उसको अलग से तैयारी करवाई जाती है। सेकंड जो फैकल्टी है मिस्टर विवेक शर्मा, बीएससी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री एमएससी केमिस्ट्री, टीचिंग एक्सपीरियंस है 18 ईयर्स। ये हमारे बहुत ही अच्छे टीचर हैं मिस्टर विवेक शर्मा जी, 18 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। मतलब सारी ज़िंदगी है जो इन्होंने अपने अपना जो जितना भी नॉलेज है वो बच्चों को देने में लगा दिया है। केमिस्ट्री के बेसिक क्लासेस करवाते हैं ये, प्लस आईआईटी जेई के लिए तैयारी करवाते हैं। इनके बहुत सारे बच्चे आजकल हमारे आईआईटी में पढ़ रहे हैं, और मेडिकल में भी काफ़ी सारे बच्चे गए हुए हैं। नेक्स्ट फैकल्टी आती है मैथमेटिक्स की, मिस्टर अमित सिंह जी, टीचिंग एक्सपीरियंस 17 ईयर्स। ये जो स्पेशली जो है आईआईटी जेई जेई मेन एडवांस की तैयारी करवाते हैं, और केवीपीवाई के तो ये सबसे बेस्ट टीचर माने गए हैं। और उसके बाद जो इनका जो टीचिंग एक्सपीरियंस है वो 17 ईयर्स है। नेक्स्ट जो फैकल्टी है मैथमेटिक्स में, मिस्टर वी के आर्य है, एमएससी मैथमेटिक्स गेट क्वालिफाइड, टीचिंग एक्सपीरियंस है 5 ईयर्स। मिस्टर वी के आर्य जो हैं ये मैथमेटिक्स का बेसिक सिलेबस करवाते हैं। पहले बेसिक सिलेबस करवाया जाता है हमारे यहाँ पर, उसके साथ के साथ कॉम्पिटिशन के लिए मिस्टर अमित सिंह जी आईआईटी जेई के लिए करवाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बायोलॉजी में मिस्टर सुरेश सैनी जी, इनका टीचिंग एक्सपीरियंस है 18 ईयर्स, यानी कि स्टार्टिंग से ही काम हमारे साथ ही काम कर रहे हैं। ये रिनोल्ड फैकल्टी ऑफ बायोलॉजी है फॉर वेरियस मेडिकल और बोर्ड एग्जाम्स के लिए, बहुत ही अच्छे टीचर हैं। नेक्स्ट जो फैकल्टी है वो मिस्टर एस के अग्रवाल, इनका जो टीचिंग एक्सपीरियंस है वो 5 ईयर्स है। ये भी हमारे पास बायोलॉजी टीच करते हैं, बहुत अच्छी कमांड है इनकी बेसिक बेसिक सिलेबस पर, और प्लस नीट एग्जामिनेशन का बेसिक और कंपटीशन लेवल पे। तो बायोलॉजी में मिस्टर सुरेश सैनी जी और मिस्टर अग्रवाल जी, ये हमारे पास बायोलॉजी के लिए नीट के लिए बच्चों को तैयार करते हैं। अब मैं अब की 2018-19 का आपका शेड्यूल बता देता हूँ कि एडमिशन प्रोसीजर क्या रहेगा। हमारे जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो रहे हैं 1 जनवरी 2018 से। प्लस टू की जो क्लासेज हैं, बोर्ड की जो क्लासेज हैं, वो शुरू हो जाएंगी 17 मार्च 2018 से। प्लस वन की जो क्लास हैं वो 7 अप्रैल 2018 से। और अब की बार जो है सेक्टर 17 सेंटर है जो नियर कैसल मॉल कुरुक्षेत्रा, वहाँ पर 9th और 10th की फाउंडेशन एनटीएससी ओलंपियाड क्लासेज भी स्टार्ट कर रहे हैं। उसके लिए आप सेक्टर 17 की जो ब्रांच है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पहले मैं दोबारा फिर एड्रेस को रिड्यूस करवा देता हूँ। 9th, 10th और प्लस वन प्लस टू का जो है आप यहाँ पर भी आ सकते हैं, सेक्टर 17 नियर कैसल मॉल कुरुक्षेत्रा, और ये आपके पास मोबाइल नंबर है। सेकेंड जो है वो सेक्टर 10 नियर न्यू बस स्टैंड कुरुक्षेत्रा। ये तो थे हम कोचिंग क्लासेस के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब मैं कुछ अपने बच्चों से इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ आपको। ये बच्चा निखिल, नीट स्कोर इसका लास्ट ईयर जो आया था 610, और नीट AIR रैंक था इसका 2029।
नेक्स्ट जो लड़की है वो है हर्षिता, इसका नीट रैंक था जो 3594। नेक्स्ट जो लड़का है वो शशिकांत, इसका जेई मेन्स में जो रैंक था वो था 1140। नेक्स्ट लड़का सावर, इसका जो रैंक था जेई मेन्स का 1831। और सबसे बड़ी बात बता देता हूँ, इस लड़के ने जो मैथ्स में 120 का स्कोर किया था जेई एडवांस में। मैथ्स में 120 स्कोर करना बहुत बड़ी बात है। नेक्स्ट जो बच्चा है वो है मोहित, इसका ऑल इंडिया रैंक है 3184। उसके बाद ये हमारे कुछ बच्चे हैं जो बाई योर टीम प्रो कुरुक्षेत्रा इन प्रोविशन जे एडवांस। जे एडवांस में ये हमारे पास कुछ बच्चे हैं, तो सभी के नाम लेना तो इम्पॉसिबल है, तो आप ये देख सकते हैं ये बहुत सारे बच्चे हैं हमारे पास। उसके बाद ये मेडिकल में कुछ बच्चे गए हैं हमारे, और उसके बाद ये लास्ट ईयर के स्टूडेंट हैं जो कहीं ना कहीं से आपके आपकी बार जो है MBBS किए हुए हैं। तो ये तो थे हमारे कंपटीशन लेवल के बच्चे। उसके बाद बेसिक में भी हम आपको इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। बेसिक में ये जो बच्चे हैं ये वो बच्चे हैं जिन्होंने 90% से अबव स्कोर किया है। उसके बाद ये है नेक्स्ट आपके पास स्टार परफॉर्मेंस इन फिजिक्स। फिजिक्स में हमारे पास 40 के आसपास स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 90+ स्कोर किया है, 90+ स्कोर फिजिक्स में। उसके बाद सब्जेक्ट वाइज बता रहा हूँ आपको। उसके बाद 20 के आसपास स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 90+ केमिस्ट्री में स्कोर किया है। और उसके बाद कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मैथमेटिक्स में 90+ स्कोर किया है। और उसके बाद कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बायोलॉजी में भी 90+ स्कोर किया है। तो हमारा जो मेन लक्ष्य है वो बच्चों को बेसिक सिलेबस से लेके, ये कुछ लास्ट ईयर के रिजल्ट हैं 2016 के 2015 के। हमारा जो पैटर्न है वो ये रहता है, अगर आप बेसिक सिलेबस करना चाहते हैं तो बेसिक सिलेबस की जो क्लास है वो रहती है मंडे टू फ्राइडे ये क्लासेस रहेंगी बेसिक की, बेसिक सिलेबस। और उसके बाद जो कंपटीशन की बात आती है, कंपटीशन हमारा रहता है फ्राइडे फ्राइडे सैटरडे और संडे, फ्राइडे सैटरडे और संडे। 3 दिन में, यानी कि जो कुरुक्षेत्रा से दूर का भी बच्चा है वो सिर्फ अगर कंपटीशन करना चाहता है तो वो 3 डेज में अपना कंपटीशन कर सकता है। फ्राइडे सैटरडे संडे ये जो दिन है ये हमने कंपटीशन बैच के लिए रखे हैं, ताकि वो बच्चा 3 दिन हमारे पास आए और बाकी के जो 4 दिन हैं वो अपनी सेल्फ स्टडी करे। क्योंकि जब तक बच्चा खुद सेल्फ स्टडी नहीं करेगा तो वो सक्सेस नहीं हो सकता। तो मैंने इस बारे में आपको इंट्रोड्यूस करवाया है। तो आप अगर अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाना चाहते हैं तो रेजोनेंट क्लासेज को ही ज्वाइन करें। रेजोनेंट क्लासेज कुरुक्षेत्रा में नियर न्यू बस स्टैंड सेक्टर 10 और नियर कैसल मॉल सेक्टर 17 में है। हमारे जो रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन वो 1 जनवरी से स्टार्ट हो चुके हैं, 1 जनवरी से स्टार्ट हो गए हैं। तो आप जल्दी से जल्दी रेजोनेंट क्लासेज को ज्वाइन करें। ये वीडियो उन बच्चों के लिए विशेषकर है जो इस टाइम 10th में पढ़ रहे हैं और आगे सोच रहे हैं कि कहाँ एडमिशन लें, कैसे कोचिंग लें, क्या लें। तो कुरुक्षेत्रा का जो बेस्ट इंस्टीट्यूट है वो आपके पास दादरौड़ाचार्य है, रेजोनेंट क्लासेज। आप जल्दी से जल्दी रेजोनेंट क्लासेज को ज्वाइन करें ताकि आपका जो है लेक्चर मिस ना हो। और दोबारा फिर मैं आपको डेट बता देता हूँ, +2 की जो क्लासेज हैं वो 17 मार्च से स्टार्ट हो जाएंगी, +1 की जो क्लासेज हैं वो 7 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएंगी। तो आप एक भी दिन मिस ना करें, जल्दी से जल्दी आके अपना एडमिशन करवाएँ और अपनी सीट बुक करवाएँ। थैंक यू सो मच।